जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप का 15वां मैच जो कि साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच में खेला जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। तो इस ग्राउंड का क्या पिच रिपोर्ट है और हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, इस ग्राउंड पर जो भी ओडीआई मैच खेला गया है तो उसमें किसको मदद मिलता है, बैट्समैन को या बॉलर को, और बॉलर को मिलता है तो किसको, फास्टर या स्पिनर को किसको मदद मिलने वाला है, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो भी इस पर ओडीआई मैच खेले गए हैं, अभी तक टोटल 6 मैच खेले गए हैं जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 2 मैच विन किया है और बैटिंग सेकंड ने 4 मैच विन किया हुआ है। और फर्स्ट बैटिंग की एवरेज बात करें तो 230 रन का बैटिंग एवरेज स्कोर है, लेकिन इसमें एक कमज़ोर टीम है और एक मजबूत टीम है। तो इसमें आपको अगर पहले नीदरलैंड बैटिंग करेगी तो आपको 200 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा, 200-220 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर यहीं पर पहले साउथ अफ्रीका बैटिंग करती है पहले तो इसमें आपको 300 प्लस स्कोर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कमज़ोर टीम है और साउथ अफ्रीका अभी अपना 2 मैच जीत के आई है। तो इसी हिसाब से हमें टीम बना करके चलना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाईएस्ट स्कोर इसमें इंग्लैंड ने 364 रन बनाया 9 विकेट पर, और लोएस्ट स्कोर इंडिया 112 रन। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं अगर नीदरलैंड पहले बैटिंग करती है जब इंडिया 112 पाल आउट हो सकती है, तो ये भी हो सकता है कि नीदरलैंड 150 या 200 के बीच में भी ऑल आउट हो सकते हैं, और उसमें साउथ अफ्रीका आसानी से, हो सकता है एक भी विकेट न गिरे या एकाध विकेट गिरे और ये रन आसानी से चेज कर रहे। लेकिन पहले अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग करता है तो आपको स्कोर अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखेंगे वेलो स्कोर जो कि 200 से कम 3 बार स्कोर बन चुका है, और 200-249 के बीच में 1 बार स्कोर बनाया, और 300 सुपर 2 बार स्कोर बन चुका है यहाँ पर। और यहाँ देखेंगे आखिरी के जो 4 मैच खेले गए हैं ओडीआई मैच, जिसमें 10 अक्टूबर 2023 को खेला गया था इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में, यही वर्ल्ड कप का मैच है जिसमें इंग्लैंड ने 364 रन बनाया था और बांग्लादेश 227 पर ऑल आउट हो गए थे, जिसमें देखेंगे पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट और सेकंड इनिंग में 8 विकेट हैं, टोटल पेसर्स को 12 विकेट यहाँ मिले हैं, और स्पिनर को देखेंगे फर्स्ट इनिंग 5 सेकंड इनिंग में 2 यानी कि 7 विकेट स्पिनर को मिले हैं। फिर 7 अक्टूबर 2023 को खेला गया था, ये भी वर्ल्ड कप का ही मैच है जिसमें कि अफगानिस्तान 156 में देखिए ऑल आउट हो गई है, वहीं बांग्लादेश ने 4 विकेट खोकर यह मैच आसानी से चेस कर लिया है। और पेसर्स को देखेंगे फर्स्ट इनिंग में 4, सेकेंड इनिंग में 3 यानी 7 विकेट पेसर्स को, और स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट मिला है, टोटल 6 विकेट स्पिनर्स को मिला है। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं 10 दिसंबर 2017 को मैच खेला गया था जिसमें इंडिया ने 112 रन पर ऑल आउट हो गई थी, यहीं श्रीलंका यह मैच चेस कर लिया 3 विकेट खोकर के। वहीं पे इसमें देखेंगे पेसर्स को 11 विकेट मिला हुआ है और स्पिनर्स को केवल 2 विकेट मिला हुआ है। फिर उसके पहले देखेंगे 16 अक्टूबर 2016 को खेला गया था जिसमें न्यूजीलैंड ने 190 पर ऑल आउट हो गई थी, वहीं इंडिया ने 194 रन 4 विकेट खोकर के मैच जीत लिया, जिसमें देखेंगे फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को 5 विकेट और सेकेंड इनिंग में 2 विकेट, वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग 5 और सेकेंड इनिंग में 1 यानी फास्टर को 7 विकेट मिला है और स्पिनर को 6 विकेट मिला है। तो यहाँ सभी मैचों में आप देख सकते हैं दोस्तों जो भी मैच हुआ है पेसर्स को अच्छा खासा विकेट मिला है। यहाँ पर पहले में 12 विकेट, दूसरे में 7 विकेट, तीसरे में 11 विकेट, फिर चौथे में 7 विकेट स्पिनर को भी मिला है, 7 विकेट, फिर 6 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर यहाँ पर 6 विकेट। तो यहाँ पर देखिए फास्ट और स्पिनर को दोनों को मदद मिलता है, ज़्यादा स्कोर नहीं बनता है। ये देख सकते हैं इंडिया ने भी जब 112 बनाया है ऑल आउट हो गई है, न्यूजीलैंड भी 190 पर ऑल आउट हो गई है, फिर अफगानिस्तान ने 156 पर ऑल आउट हो गई है। तो ये सोच सकते हैं कि अगर नीदरलैंड पहले बैटिंग करेगा तो ज़्यादा स्कोर आपको देखने को नहीं मिलेगा, 150-200 के बीच में मिलेगा देखने को, हो सकता है कम ही मिले, और आसानी से वह मैच साउथ अफ्रीका चेस कर लेगी। तो इसी बेसिक को आपको टीम बनाना है। और यहाँ देख सकते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है, अभी तक टोटल 5 मैच खेले गए हैं जिसमें साउथ अफ्रीका ने 5 मैच विन किया है और नीदरलैंड ने 1 मैच भी विन नहीं किया है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका मजबूत है देखेंगे। और हेड टू हेड रिकॉर्ड जो कि साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच में खेला गया है 2 अप्रैल 2023 को खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 378 विकेट पर और नीदरलैंड ने 224 रन ऑल आउट हो गई है, मैच साउथ अफ्रीका जीता। फिर उसके पहले देखेंगे 31 मार्च 2023 को खेला गया था जिसमें नीदरलैंड 189 पर ऑल आउट हो गए, साउथ अफ्रीका 2 विकेट खोकर यह मैच जीत लिया। फिर 31 मई 2013 को खेला गया था जो कि साउथ अफ्रीका 341 और नीदरलैंड ने 258 ही रन ही बना पाई। फिर उसके पहले देखेंगे 3 मार्च 2011 को खेला गया था, साउथ अफ्रीका ने 351 रन बनाया, नीदरलैंड 120 पर ऑल आउट हो गई थी।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी मैचों में जितना मैच हुआ है साउथ अफ्रीका ने सभी मैच विन किया, लेकिन साउथ अफ्रीका जिसमें पहले बैटिंग किया हुआ है देखिए 370, 341, 351 इस ग्राउंड पर भी अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो आपको 300 प्लस स्कोर देखने को मिलेगा, और नीदरलैंड पहले बैटिंग करती है तो आपको 150 से 200 के स्कोर देखने को मिलेगा। तो हमें किसको इसमें कैप्टन बनाना है, वाइस कैप्टन किसको बनाना है, किस प्लेयर को लेना है, ये हम आगे आप लोग को बताएंगे। ये आगे देख सकते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने लगातार अपना 5वां मैच जीत कराई है और नीदरलैंड ने 5 मैच में से 2 मैच जीता है और लास्ट में 3 मैच ये हार के आ रही है। तो यहाँ पर हमें एक टीम किस तरह से बनाना है ये हम आप लोग को बता देते हैं। यहाँ देख सकते हैं साउथ अफ्रीका का पॉसिबल प्लेइंग 11 जो कि है डिकॉक है, टिम्बर भौमा है और वंडर डुसेन है, फिर मार्करम है, क्लासेन, फिर डेविड मिलर, मार्को जेनसन, रबाड़ा, फिर केशव मारन, लुंगी नगड़ी और तबरेज शमसी है। तो इसमें किसको हमें लेना है, किसे ड्राफ्ट करना है ये हम आप लोग को बता देते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले अगर पहले साउथ अफ्रीका बैटिंग करता है तो इसमें ये चारों ऊपर के टॉप 4 बल्लेबाज आपको ले लेना है। यहाँ से देखिए टॉप 4 बल्लेबाज हमें ले करके चलना है। आप चाहें तो 5 तक ले सकते हैं, यानी करक्सेन को भी ले सकते हैं, विकेट कीपिंग करेगा, हो सकता है विकेट कीपिंग से आपको 2-3 कैच पकड़ के 20-25 पॉइंट और 10-20 रन मार करके 50-60 पॉइंट दे जा, पाँचों को लेकर चल सकते हैं। और यहाँ से आप 4 तो और 5 को यहाँ से लेते हैं ओपनर, तो यहाँ से 4 बल्लेबाज को 4 गेंदबाज को आपको ले करके चलना है। यहाँ देखिए यहाँ केशव महाराज और तबरेज शमसी 2 स्पिनर हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों में से आपको किसी एक को लेकर के चलना है और तीनों फास्टर लुंगी नगड़ी, रबाड़ा और जेनसन तीनों फास्टर को ले लेंगे और स्पिनर्स में के एक ये पहले बैटिंग करता है साउथ अफ्रीका तब का टीम बता रहे हैं। अगर पहले साउथ अफ्रीका फील्डिंग करता है तो आप इसमें से इन 5 बॉलर को ले लीजिएगा और यहाँ से आप मरक्रम ऑलराउंडर है 6 हो जाएंगे और फिर यहाँ से आप क्या करेंगे डिकॉक भौमा ये लेकर के आप चल सकते हैं। आप चाहें तो अगर जो वंडर डुसेन को ले सकते हैं यहाँ से तब शमसी या महाराज में से किसी एक को ड्रा करके चल सकते हैं, क्योंकि पहले गेंदबाजी करेगा तो पूरा गेंदबाज को हमें ले लेना है क्योंकि उसको ऑल आउट होना ही होना है। नीदरलैंड ऑल आउट होगी तो सभी गेंदबाज ही विकेट मारेंगे, हो सकता है एक कोई ना पाए लेकिन सभी के सभी विकेट मारेंगे और दोनों ओपनर ही आकर के डिकॉक और भौमा हो सकता है आकर रन मार के चले जाएँ। तो इसी हिसाब से हमें टीम बनाना है। अगर देखिए इसमें पहले साउथ अफ्रीका गेंदबाजी करती है तो उसमें कैप्टन आपको बॉलर को बनाना है, अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बैटमैन को बनाना है, क्योंकि ज़्यादा रन मारेगी पहले बैटिंग करेगी तो कैप्टन का पॉइंट बैटमैन देंगे, अगर पहले बॉलिंग करता है तो आपको बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। और आगे देखेंगे उसका पॉसिबल प्लेइंग 11 जो कि है नीदरलैंड का है, विक्रम सिंह है, फिर मैक्स डाउनलोड है, फिर अकरमैन है, फिर बस डी लीडे है, फिर तेजा निदामानुरू है, फिर स्कॉट इरवर्ड है, फिर यहाँ देखेंगे इनगिले ब्रेहट है, फिर रोलेफ वंडर मेरवे है, फिर रयान क्लेन है, फिर आयरन डट है, पॉल वन मरक्रम है। इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अगर पहले ये बैटिंग करता है तो आपको 1 से 2 प्लेयर ले करके चलना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 या 2 प्लेयर आप लेकर चल सकते हैं। अगर जो पहले ये गेंदबाजी करता है तो आपको 3-4 प्लेयर लेकर चल सकते हैं, 3 या 4 प्लेयर आपको लेकर के चलना है, क्योंकि जब पहले गेंदबाजी करेगा तो साउथ अफ्रीका रन मारने के चक्कर में 50 ओवर खेलेगा तो उसमें विकेट उसका 4-5 विकेट तो गिरेगा ही गिरेगा, तो गेंदबाजी विकेट लेंगे आप इसमें चाहें तो। अगर ये पहले गेंदबाजी करता है तो आप बस डी लीडे देखिए गेंदबाजी भी करता है और बैटिंग भी करता है, इसको ले सकते हैं और यहाँ से आप और वंडर मेरवे को भी ले सकते हैं और मरक्रम को ले सकते हैं, 3 गेंदबाज को आप ले करके चल सकते हैं। और पहले गेंदबाजी करता है तो अगर पहले बैटिंग करता है नीदरलैंड तो आप इसमें से अकरमैन को ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो अकरमैन है इसको ले सकते हैं यहाँ से और बस डिलीडो को ले लीजिएगा, बस आप चाहें तो 2 ही के साथ जा सकते हैं अगर पहले ये बैटिंग करता है तो इसी बेसिक पर आपको टीम बनाना है। जिस तरह से मैं बताया हूँ इसी हिसाब से आप लोग टीम अपने हिसाब से बनाएंगे तो खुद का टीम बनाएंगे अच्छा रहेगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटी दबा लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।